बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब और अभी ये देखें यहाँ पर जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही थी बन रही थी मैं चने की दाल तड़का तो आज जो बनाई थी ये मैं बनाई थी तो मैंने क्या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो अभी मैंने यहाँ पर था, था दाल को तो अलग से बॉयल करने के लिए रख दिया था और मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक और ये कुकर में बना रही तो जल्दी बन जाएगी लेकिन आम पतीली अगर मैं बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में क्योंकि गलती बहुत देर में और ये कि आप ये इसको कुकर में बनाएंगे दस से पंद्रह मिनट लगेंगे और आपकी जो ये दाल रेडी हो जाएगी तो ये देखिए यहाँ पर जब तक हमारी दाल ये बन गई थी तो फिर मैंने दूसरे साइड जो था तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया था तो यहाँ पे मैंने तकरीबन एक प्याली ऑयल लिया था क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा डालें तो अच्छा लगता है और मतलब अच्छा लगता है आप किसी भी सब्जी में डालें इसमें डालें तो एक टेस्ट अच्छा आता है क्योंकि जब तो तरी आती है ना उसका लुक भी अच्छा आता है और टेस्ट में बड़े मजे का लगता है तो ये यह देखिए यहाँ पे एक प्याली में इसमें ऑयल डाल दूंगी और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की जो थी प्याज ली भी थी और यहाँ पर जो मैंने दाल ली थी तकरीबन एक प्याली ली थी क्योंकि ये जो है दाल थोड़ी भीग के ज़्यादा भी हो जाती है तो इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही ली थी और वैसे भी थी एक टाइम के लिए अगर जो बना बनाए तीन से चार पाँच अफराद आराम से इसको इजीली खा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं प्याज डाल देती हूँ यहाँ पर एक मिनट से इसको किसी भी तरीके से कट ले रफली मैंने यहाँ पर चॉप करी हुई है और जो इसके हैं मसाले वो भी घर के ही सारे होम मेड हैं तो इसमें मैंने पिसी हुई मिर्च ली थी धनिया पाउडर थोड़ा सा लिया था हल्दी ली थी लहसुन अदरक का पेस्ट था और इसके अलावा जो था गरम मसाला मैंने सारा लिया था जैसे काली मिर्च बड़ी इलायची लौंग तो ये यह देखिए यहाँ पर मैं आपको दाल दिखा रही थी ईजीली बहुत आराम से गल गई थी तो तकरीबन पंद्रह मिनट भी नहीं लगे थे उससे पहले भी गल चुकी थी तो ये यह देखिए यहाँ पर मेरा जो है सामान सारा निकाल के रखा हुआ और एक मीडियम साइज का मैंने जो था टमाटर ले लिया और आजकल जो है टमाटर बहुत इसके जो है रेट हाई हो रहे हैं तो एक आप डाल डालने बस सही रहेगा ज़्यादा कम रहेगा ना ज़्यादा तो ये देखिए यहाँ पर हमारी गोल्डन प्याज हो चुकी थी और इसमें मैंने जो है मसाला सारा डाल दिया तो मैं इसे अच्छा सा भून लूँगी और इसमें टमाटर डाल दूँगी और क्योंकि दाल हमारी गली भी है तो इसको मुझे लास्ट टाइम है डालना है जब हमारे जैसे टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए तो ये देखिए मैं पाँच दस मिनट के लिए मैं इसको डाल के रख के ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि हमें टमाटर गलने में पाँच दस मिनट लगते हैं तो ये देखिए जब हमारा हो जाएगा तो मैं आराम से इसको अच्छा सा मतलब हम कफ़ी घी के चमके चमचे से इसको अच्छे से मसल लूँगी तो ये देखिए यहाँ पर हो गया था और बस मैं टमाटर डालूंगा ग्रेवी आपको जितनी रखनी है आप उसको उसी स्टा, उसी स्टाइल से रख सकते हैं यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पर हमारी बन के ये रेडी हो गई थी अब मैं जो है इसमें जो दाल थी गली हुई मैं सारे पानी के साथ ही इसमें डाल दूँगी और अगर ऊपर से भी आप डालना चाहें तो डाल दें वरना अगर इसी तरह छोड़ना चाहें तो कम इसमें भी रख सकते हैं लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखूँगी और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें मैं डाल तीन से चार अदद लंबी काट के हरी मिर्च अगर आप चाहें तो बारीक भी काट के इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ दो तीन ऐसे ही इसमें डाल के दम पे दे दूंगी और ये देखिए माशाल्लाह इसका लुक बहुत अच्छा आता है और जितना अच्छी लग रही थी खाने में बहुत टेस्टी और मज़ेदार लग रही थी क्योंकि हम अक्सर चने की दाल को चिकन में तो खाते रहते हैं तो ये अलग से बनाएं तो बहुत मजे की लगती है ये दाल तो ये देखिए यहाँ पर बस उनसे पाँच दस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और लास्ट टाइम भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी पुदीना तो अभी मेरा जो था यहाँ पर दूसरे काम भी हो रहे थे तो जब मेरा होता है तो तो सारे काम जो है साथ साथ मर जाए तो अभी मैं आटा गूं रही थी मैं रोटी बनाना मैंने स्टार्ट कर दी थी यहाँ साथ ही तो बस ये रोटी बनेगी ही और जब तक जो है हमारा जो है दाल तो खैर मेरी बन ही चुकी थी तो बस ये कि शाम का ये जो है आप मेन्यू रख सकते हैं दोपहर में भी खा सकते हैं जैसे आपको इजी लगे तो ये देखें यहाँ पर फुल हमारी डन हो चुकी है यहाँ पर हमें आपको यहाँ पर डिश आउट करके दिखा रही थी और गार्निश में इधर भी करूँगी और थोड़ा ऊपर भी जैसे ये ऑयल ले लिया तो ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी आलिदा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हम चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी ये दाल रेसिपी कैसी लगी तो ये देखिए मैं आपको उसका फन फाइनल लुक रही हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और मुझे इसका मिलती हूँ मैं आपसे अब, अब नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़